नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों को शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शादी का झांसा देकर किया युवती से दुष्कर्म, पुणे से लाकर आरोपी को बर्डी पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर के खासदार करंडक एकांकी का प्रतियोगिता का आयोजन, नितिन गडकरी और कांचनदाई गडकरी के हाथों हुआ उद्घाटन। और कामठी के श्री टॉकीज में लगी आग से हुआ बड़ा नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले पुणे के इंजीनियर को नागपुर के सीतावड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। 24 वर्षीय आरोपी गौरव आनंद कुमार जगनानी केशव कुंज पुणे का रहने वाला है। गौरव की पीड़ित युवती से 3 साल पहले वैवाहिक साइट पर पहचान हुई थी। उसने युवती को शादी का झांसा दिया और उसने खानापूर्ति के तौर पर युवती से शादी कर ली। सितंबर माह में सीतावर्डी के एक होटल में ले जाकर युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके बाद उसे पुणे ले गया और वहां गौरव के परिजनों ने युवती से अपने सामने शादी करने को कहा। इसके लिए 40 लाख रुपयों की मांग की। इस बर्ताव के बाद युवती नागपुर आ गई, जिसके बाद उसने सीतावर्डी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जाँच कर आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। गौरव की खोज में सीतावर्डी पुलिस का दल पुणे गया था, उसे गौरव के नागपुर आने का पता चला। इसके आधार पर गुरुवार को एक होटल में दबिश देकर गौरव को पकड़ा गया। गौरव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वह अपने भाई के साथ एक होटल में ठहरा था। 16/10/2021 आमच्या पोलीस स्टेशनला पीडित मुलगी येऊन तिने आम्हाला माहिती दिली की आरोपी गौरव आनंद कुमार जगनानी यांनी त्यांच्यासोबत लग्न केले आणि लग्नाआधी जबरदस्तीने त्यांच्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले। लग्न झाल्यानंतर त्यांनी त्यांना सांभाळण्यास नकार दिला, मग त्याच्यानंतर आरोपी त्यांना त्यांच्यासोबत घेऊन नाही गेले घरी, त्यांच्या राहत्या घरी। मग त्याच्यानंतर त्याच्या वेळेला आल्या पीडिता आणि त्यांनी सांगितलं आम्हाला की त्यांना हुंड्याची मागणी करण्यात आलेली होती त्यांच्या सासरकडच्याकडून। त्यांचे सासरे आनंद कुमार जगनानी आणि दीर सौरव कुमार जगनानी यांच्याकडून त्यांना हुंड्याची मागणी झालेली होती, तसेच त्यांचे पती यांच्याकडून त्यांच्यावरती जबरदस्ती शारीरिक संबंध ठेवण्यात आलेले होते लग्नाआधी आणि लग्न झाल्यानंतर। या सगळ्या याच्यावरती मग नंतर गुन्हा नोंद करण्यात आला आणि ज्या वेळेला आम्ही आरोपीचा शोध घेत होतो तपासादरम्यान आम्हाला समजलं की आरोपी हा पुण्याचा रहिवासी असून, त्यावेळेला आम्ही लोकेशन ट्रेस केलं असता आम्हाला आरोपी हा नागपूर येथेच मिळून आला। मग त्या आरोपी मँगो हॉटेल गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मिळून आले, त्यास नंतर ताब्यात घेतले आणि सध्या पुढील तपास चालू। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिती नागपूर द्वारा गुरुवार से नागपूर में खासदार करंडक एकांकिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कांचन गडकरी के हाथों किया गया। केंद्रीय सड़क व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से और उनके प्रयास से नागपुर में हर वर्ष खासदार करंडक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस अंतर्गत नागपुर में इस बार एकांकिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खासदार करंडक एकांकिका प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी व संस्कार भारती की अध्यक्षा कांचन गडकरी के हाथों नागपुर में किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कलाकार रंगकर्मी उपस्थित थे। लक्ष्मीनगर के साइंटिफिक सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में कांचन गडकरी के हाथों दीप प्रज्वलन कर एकांकिका प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। 3 दिवसीय चलने वाले खासदार करंडक एकांकिका प्रतियोगिता में कुल 24 एकांकिका पेश की जाएगी। आबास मीडिया या समूह के स्टेटस टू स्क्रीन इस संकल्पना से बनाए गए फ्लेक्सिंगो ऐप द्वारा प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। तू काय म्हणून राहिली मला काय समजून नाही।
बुधवार रात 12 बजे कामठी के श्री टॉकीज में आग लग गई। इस आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 4-5 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कामठी के श्री टॉकीज को बुधवार रात 12 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी पता चलते ही टॉकीज के गार्ड ने मालिक राजेश शर्मा को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कामठी से 2 और नागपुर से 3-4 दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाकर आग बुझाई गई। श्री टॉकीज पिछले 18 महीनों से बंद है। दिवाली के बाद यह टॉकीज शुरू करने का मालिक सोच रहे थे, लेकिन दिवाली के पहले की आग की घटना होने से सब कुछ खत्म होने की बात राजेश शर्मा ने बताई। इस आग में करीब 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान होने का दावा शर्मा ने किया है। इस आग में फर्नीचर उपकरण, सीलिंग, डॉल्बी डिजिटल सिस्टम समेत सब कुछ जलकर खाक हो गया। यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी, ऐसे कहा जा रहा है। कामठी बजरंग पार्क येथील श्री टॉकीज मध्ये भयंकर आग लागलेली आहे। रात्री 12:24 झालेले आहेत। महानगरपालिका के आम चुनाव को भले ही 4 माह का समय बचा हो, लेकिन प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार करने के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी होने से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच अब बुधवार को राज्य सरकार के कैबिनेट ने महानगरपालिका और नगर परिषदों में न्यूनतम सदस्य संख्या में 17% की वृद्धि करने को हरी झंडी दिए जाने से नागपुर महानगरपालिका की नई पारी में 176 सदस्य पार्षद होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्तमान में 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के अनुसार 151 सदस्य पार्षदों के लिए कुल 38 प्रभाग है। वर्ष 2022 में होने जा रहे आम चुनावों के लिए 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति पर मुहर लगाई जा चुकी है, जिससे कुल 58 प्रभाग हो गए। सदस्य संख्या बढ़ाने के पीछे दिए गए तर्क के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मनपा की सदस्य संख्या निर्धारित है। कोरोना के चलते 2021 की जनगणना के आंकड़े अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः जनसंख्या वृद्धि के औसतन निष्कर्षों के अनुसार सदस्य संख्या में कम से कम 17% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। राजनीतिक जानकारों के अनुसार वर्तमान की 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति में भाजपा के पास 108 सदस्यों का बल है, किंतु इसके पूर्व 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति में भाजपा को 12 निर्दलीयों की मदद से सत्ता स्थापित करनी पड़ी थी। 151 पार्षदों की मनपा में किसी तरह जुगाड़ कर 76 का आंकड़ा पार करना भी आसान नहीं है। ऐसे में अब यदि 176 सदस्य पार्षदों की संख्या हुई तो बहुमत के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 88 सदस्य पार्षदों की आवश्यकता होगी। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में बड़े राजनीतिक दलों के लिए भी यह आसान डगर नहीं है। यही कारण है कि कैबिनेट के फैसले की भनक लगते ही राजनीतिक दलों के आकाओं के माथों पर बल पड़ते दिखाई दे रहे हैं। शासकीय अस्पतालों में उपचार का दर्जा बढ़ाने के लिए बुधवार को 3 सदस्यीय दल ने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं गुरुवार को मेडिकल के साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आम्बेडकर अस्पताल में 600 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। इसी सिलसिले में समिति निरीक्षण किया जा रहा है। वैद्यकीय क्षेत्र में कुछ सेवा निजी और सार्वजनिक तत्व पर करने की दिशा में चर्चा शुरू है। पिछले वर्ष से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC कंपनी की अगुवाई में नए मेडिकल कॉलेज तैयार करने से लेकर विदर्भ में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाने के लिए वैद्यकीय शिक्षा व अनुसंधान विभाग ने प्रारूप तैयार किया है। विभाग के सचिव समिति के अध्यक्ष है। इस माध्यम से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को मुंबई में सभी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के अधिष्ठाताओं की बैठक ली गई थी। बैठक के बाद निरीक्षण के लिए 3 सदस्यीय टीम विदर्भ दौरे पर आई है। विभाग जिस मॉडल पर कार्य कर रहा उसके अनुसार जैसे मेडिकल में 1400 बेड उपलब्ध है, इनमें से 50% बेड निर्धनों के लिए तथा 50% बेड शुल्क भरकर उपचार करने वालों के लिए होंगे। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेवा होगी। इस व्यवस्था से मरीजों के सामने दोनों ऑप्शन उपलब्ध हो सकेंगे, साथ ही शासकीय मेडिकल कॉलेज आत्मनिर्भर हो सकेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बाकी की खबरों को जानते हैं इस ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका।
बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में सिकल सेल एनीमिया अभियान के तहत केंद्र सरकार के सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हैदराबाद शाखा ने नागपुर नगर निगम को CSIR सिकल सेल रिसर्च सेंटर संचालित करने की अनुमति दी। इसलिए महापौर ने CSIR सिकल सेल रिसर्च सेंटर के स्थल का निरीक्षण किया। बुधवार को महापौर दयाशंकर तिवारी और सिकल सेल नोडल अधिकारी डॉ. दीप्ति जैन ने पांच पावली प्रसूति अस्पताल में CSIR सिकल सेल अनुसंधान केंद्र के लिए स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर, आशीनगर अंचल के सहायक आयुक्त अभिजीत बाविस्कर, अपर सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय जोशी, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद डॉ. विंकी रुकवानी, अंचल स्वास्थ्य अधिकारी आशीनगर अंचल दीपांकर भिवगड़े, पांचपावली प्रसूति अस्पताल प्रभारी डॉ. संगीता खेंदट, डॉ. पुरी, डॉ. वाघमारे आदि भी मौजूद थे। CSIR सिकल सेल अनुसंधान केंद्र CSIR नागपुर निगम और SMM की देखरेख में रहेगा। महापौर ने बताया कि आई वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट नागपुर उनके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरी नागपुर में सिकल सेल रोग के अधिक मरीज पाए जाते हैं, तो यहां के नागरिकों को इस सिकल सेल अनुसंधान केंद्र से लाभ होगा। शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग कर सिकल सेल का निदान किया जाएगा। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि सिकल सेल अनुसंधान केंद्र में सिकल सेल रोगियों के लिए सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। महंगाई की मार अब हर जगह दिखाई देने लगी है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के ठेकेदारों ने भी कीमत बढ़ाकर देने की मांग प्रबंधन से कर दी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ठेकेदारों ने अनिश्चितकालीन काम बंद करने तक की धमकी दे दी है। अगर काम बंद होता है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र जैसे राज्यों को कोयला मिलना मुश्किल हो जाएगा और बिजली संकट गहराने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। ठेकेदारों के साथ इस संबंध में पिछले दिनों वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड प्रबंधन की बात भी हुई है, लेकिन दर वृद्धि को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जानकारों का कहना है कि ठेकेदार काफी पहले से ही दर वृद्धि करने की मांग करते आ रहे हैं ताकि काम चलता रहे। इस बीच डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होती गई, जिससे ठेकेदारों की लागत में काफ़ी वृद्धि हो गई है। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोकेश जैन ने बताया कि अब तक कार्य कर रहे ठेकेदारों को भारी नुकसान हो चुका है। हमने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, बातें नहीं मानी गई तो 1 नवम्बर से सभी के सभी ठेकेदार काम बंद कर देंगे। डीजल मूल्य वृद्धि के कारण ठेकेदारों को अब तक 895 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान केवल डीजल के दाम बढ़ने से हुआ। ठेकेदार इसके लिए भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 1 वर्ष से मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। ठेकेदारों का कहना है कि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यह तो इसका भुगतान कर दे या तो फिर डीजल खरीद कर उन्हें दे ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। जैन ने बताया कि वेकोली में कुल 35 खदानों में 35 ठेकेदार काम कर रहे हैं। ये लोग प्रतिवर्ष लगभग 5,000 करोड़ रुपये का ठेका का काम करते हैं। अब तक ऐसी नौबत नहीं आई थी। समझौता 1 वर्ष पूर्व 1 नवंबर 2020 को किया गया था। तब डीजल की कीमत 69 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर थी और आज यह 105 रुपये के ऊपर चला गया। लगभग 70% कीमत बढ़ चुकी है। ऐसे में ठेकेदारों को पुरानी दरों पर काम करना मुश्किल हो गया। नागपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लावारिस बना दिया गया है। कोरोना के बाद मध्य प्रदेश से एक के बाद एक फ्लाइट शुरू हो रही हैं, लेकिन नागपुर से फ्लाइट शुरू करने के नाम पर एयरलाइंस कंपनियां नानुकर कर रही हैं।
इंदौर से 1 सितंबर से एयर इंडिया की दुबई फ्लाइट शुरू हो गई है और 1 नवंबर से शारजाह के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। लेकिन नागपुर में दूर दूर तक फ्लाइट शुरू होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। इसका मुख्य कारण ये भी है कि राजनेताओं में सुविधा को लेकर कोई इच्छा शक्ति नहीं है। नागपुर से शारजाह के बीच एयर अरेबिया की फ्लाइट सेवा बहाल थी। कोरोना काल में से बंद कर दिया गया। देश के कई हिस्सों में इंटरनेशनल फ्लाइट शर्तों के साथ शुरू की जा चुकी है, लेकिन इस सूची में नागपुर का नंबर नहीं लग पा रहा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लाज रखने वाला एकमात्र सेवा भी वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। विमानतल के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार एयर बबल अनुबंध के साथ कुछ फ्लाइट शुरू कर रही है। इंदौर से इसी करार के तहत सेवा शुरू की गई होगी। सवाल ये है कि नागपुर में भी एयर बबल अनुबंध के तहत सेवा शुरू की जा सकती थी, लेकिन इसके लिए किसी ने रुचि ही नहीं ली। यही कारण है कि एयरपोर्ट केवल नाम का इंटरनेशनल बंद कर रह गया है। जानकारों की माने तो बंद होने से पूर्व शारजा फ्लाइट फुल लोड पर सेवा दे रही थी। नागपुर और आसपास के लोग बड़ी संख्या में सेवा का लाभ ले रहे थे। आज भी फ्लाइट शुरू होती है तो सैकड़ों लोग जाने आने को इच्छुक हैं। सेवा शुरू नहीं कर यात्रियों को एयरलाइंस निराश ही कर रही है। कोरोना के पूर्व नागपुर विमानतल से 32 फ्लाइट का डिपार्चर होता था, यानी इतने भी फ्लाइट का आगमन भी होता था। एक दिन में लगभग 62 फ्लाइट का आना जाना विभिन्न डेस्टिनेशन के लिए होता था, लेकिन कोरोना के बाद फ्लाइट की संख्या घटकर 22 डिपार्चर तक रह गई है, यानी एक दिन में डिपार्चर फ्लाइट की संख्या 10 हो गई है। आने जाने वाले फ्लाइट 22 घट गई है। एयरलाइंस कंपनियां नागपुर से सेवा शुरू करने को इच्छुक नजर नहीं आ रही, जबकि देश के कई हिस्सों में ताबड़तोब नई नई फ्लाइटें शुरू हो रही हैं और नए नए डेस्टिनेशंस को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बांद्रा में आंदोलन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बांद्रा के बड़ी मस्जिद में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन बांद्रा से माहिम चर्च तक आम आदमी के पदाधिकारी और नेताओं ने बैनर लेकर हाथगाड़ी के साथ किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई है, बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर विरोध जताया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये आंदोलन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। इंडिया में इतनी परेशानी है लोगों को, अभी कोविड टाइम चल रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कुछ बोल नहीं पाते हैं बेचारे, इतने ठंडे पड़ गए हैं लोग, बताइए क्या करना चाहिए। शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का प्रयास शुरू है। क्राइम ब्रांच पुलिस के अलग अलग दस्तों ने शहर भर में विविध स्थानों पर कार्रवाई कर 66 लोगों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में मादक पदार्थ बेचने और उसका सेवन करने वालों का समावेश है। पुलिस विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में 51 मामले दर्ज हुए। शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का प्रयास शुरू है। क्राइम ब्रांच पुलिस के अलग अलग दस्तों ने शहर भर में विविध स्थानों पर कार्रवाई कर 66 लोगों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में मादक पदार्थ बेचने और उसका सेवन करने वालों का समावेश है। पुलिस विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में 51 मामले दर्ज हुए। क्राइम ब्रांच के उपायुक्त का पदभार संभालते हुए चिन्मय पंडित की यह पहली बड़ी कार्रवाई है जो एक ही दिन में की गई। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक के बीच शहर के 33 थाना अंतर्गत मादक पदार्थ बेचने व सेवन करने वालों के खिलाफ यह विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में मादक पदार्थ विरोधी दस्ते, क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 1 से 5 और विशेष दस्ते ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों में मुकेश उर्फ पापा तिवारी, शेख जमील, मामा उर्फ इस्माइल, शेख जब्बार, तुषार युवराज काली, अभिषेक केशव गौर, मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद अजीज सहित अन्य आरोपियों का समावेश है। पुलिस ने 51 मामले दर्ज किए, जिनमें 5 मामले मादक पदार्थ विक्रेताओं व 46 मामले मादक पदार्थ खाने वालों से जुड़े हैं। कार्रवाई के दौरान 1,11,422 रुपए का माल जब्त किया गया। वहीं पुलिस उपायुक्त द्वारा बताया गया कि सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा, जबकि नागरिकों से उन्होंने आह्वान किया कि अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखकर उन्हें सूचित करें।
गेल्या काही दिवसांपासून नागपूर शहरामध्ये अंमली पदार्थांचं सेवन आणि ह्याच्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या माहिती आमच्यापर्यंत येत होत्या. या माहित्यांची गंभीरपणे दखल घेत नागपूर शहराचे जे पोलीस आयुक्त आहेत अमितेश कुमार सर आणि ॲडिशनल CP श्री फुलारी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही 33 पोलीस स्टेशनच्या 33 टीम्स बनवून तसंच क्राईम ब्रांचच्या 5 टीम्स बनवून अशा साधारण 41 टीम्सनी आम्ही एका रात्रीमध्ये म्हणजे परवा दिवशी संध्याकाळी 6 वाजता ही मोहीम सुरू केली आणि रात्रभर ही मोहीम चालली आणि त्यामध्ये आम्ही पूर्ण नागपूर शहरामध्ये एकूण 51 गुन्हे दाखल केले. त्या 51 पैकी 46 गुन्हे हे सेवनाबद्दल म्हणजे कन्झम्पशनचे होते. हे सर्व गुन्हे NDPS कायद्याअंतर्गत दाखल केले. त्यामध्ये 46 गुन्हे हे सेवनाचे गुन्हे होते आणि 5 गुन्हे हे विक्री किंवा जवळ बाळगण्याच्या कलमांच्या अंतर्गत आम्ही दाखल केलेले आहेत. या सर्व गुन्ह्यांमध्ये 66 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे आणि त्यांच्याकडून सुमारे 1,11,422 रुपयांचा अंमली पदार्थांचा मुद्देमाल हा देखील आम्ही जप्त केलेला आहे. तर मला नाही वाटत की राज्यामध्ये किंवा इतर कुठेही देशामध्ये एका दिवसात 51 गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई ही कुठे केली गेलेली असणार आहे. आम्हाला असं वाटतं की ही मोहिमेची सुरुवात आहे आणि या मोहिमेद्वारे आम्ही अंमली पदार्थ बाळगणारे सेवन करणारे विक्री करणारे पेडलर्स यांना हा आमचा एक अत्यंत स्ट्रॉंग असा संदेश आहे की इथून पुढे नागपूर शहरामध्ये आम्ही यांचे धंदे चालू देणार नाही आहेत आणि ही कारवाई अशीच गंभीर कारवाई आम्ही वारंवार ड्राइव्ह घेऊन आम्ही करत राहणार. VKBK प्राइम टाइम में बस इतना ही. फिर मिलेंगे बाकी की खबरों के साथ. तब तक लिए देखते रहिए VKB. नमस्कार.